दोस्तों आज हम खड़े हैं पिपलांद्री के जंगलों में। ये ग्रामीण पर्यटन का एक अचूक नमूना है। पिपलांद्री राजसमंद जिले का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम आज राजस्थानी नहीं पूरे देश और विदेश तक में इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है और पहचाना जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ के टूरिज्म की। गांव के टूरिज्म को लेकर लोगों में कई भ्रांतियाँ हैं कि गांव में क्या होता है, गांव में कुछ नहीं मिलता है और गांव के लोग अधिकांश प्लान करके शहरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने गांव में डेवलप करना चाहेंगे, विकसित करना चाहेंगे गांव को, तो गांव में जितना रोज़गार मिल सकता है और गाँव में जितना टूरिज्म डेवलप हो सकता है उतना मेरे को लगता नहीं कि कहीं दूसरी जगह भी आपको मिल सकता होगा। दोस्तों देखो, ये गांव के जंगल है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी का टॉप एंगल है, लेकिन इस टॉप एंगल को भी एक सरपंच की सूझबूझ ने इतना डेवलप कर दिया है कि आज यहाँ इस एक छोटे से गांव में अपनी प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आपको हर सुख सुविधा मिलेगी, पूरा ग्रामीण परिवेश मिलेगा। जिधर देखोगे आप चारों तरफ जंगल ही जंगल है और इस जंगल के बीच में अगर आप एक दिन या एक रात गुजारोगे, जीवन में बहुत कुछ आपने पा लिया है, आपकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। ये जो आप देख रहे हैं विलाज बने हुए हैं, यानी कि घुमटियाँ, इनको देसी भाषा में हम घुमटी बोलेंगे। ये घुमटियाँ बनी हुई है रंगीलो राजस्थान। इसका जितना बाहर से डेकोरम है उतना ही अंदर से भी है। यहाँ आप पेड़ पौधे देखेंगे तो आपको जहाँ जंगल में अधिकांशतः नहीं मिलने वाले पौधे पेड़ यहाँ आपको ज़रूर दिखाई देंगे। यहाँ आप चंदन ले लीजिए, यहाँ आप ये देखिए केले का वृक्ष है। इस केले के फल बिल्कुल ओरिजिनल पके हुए केला जो आप शहर में या गांव में कहीं भी अपने घर पे केला अगर आप पसंद करते हैं तो खाना पसंद करते हैं तो देखते हैं कि केला केमिकल से पका हुआ होता है, लेकिन यहाँ ओरिजिनल पका हुआ केला भी आपको भोजन में परोसा जाता है। इसके साथ ही यहाँ का ओरिजिनल केसर, ओरिजिनल सिंदूर भी बहुत ही विख्यात होता हुआ जा रहा है। इसके साथ आपको नेचर से जुड़ी हर चीज़, एलोवेरा का जेल ले लीजिए आप, मधुमक्खी का ओरिजिनल मधु ले लीजिए आप, यहाँ के चंदन ले लीजिए आप, यहाँ के जो प्रकृति में अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के जो पेड़ पौधे हैं उनकी पहचान और उनसे रूबरू होने का जो मौका आपको यहाँ आके मिलेगा, इनसे आप रूबरू हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको कि अंदर का जो आपको विश्राम करना है वो विश्राम स्थली कैसी है। बाहर का लुक तो आपने देख ही लिया, आप अंदर का लुक भी देख लीजिए। अंदर का लुक देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आप 5-स्टार होटल के किसी रूम में विश्राम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रकृति के बीच बनाइए पिपलांद्री विलेज। तो दोस्तों पिपलांद्री का ये जो विलेज है इसमें आपके सहन के लिए जगह बनी हुई है। आपको जूते चप्पल यहीं खोलने हैं, बाहरी जूते चप्पल खोल के आप जो ही अंदर घुसेंगे, अंदर एक अच्छा सा आपके लिए बेड लगा हुआ है। और आपकी जो यहाँ की जो यादें हैं वो यादें हमेशा के लिए आप सजोकर अपने साथ ले जा पाएंगे। ये है ओरिजिनल ग्रामीण टूरिज्म।